राष्ट्रीय स्तर पर सबका सहयोग करके, और लखनऊ में चाहूंगा कभी अगर आप लोग आए तो वहाँ हमारा महोत्सव बहुत बड़ा भाव पुस्तकर है, वहाँ जरूर आइएगा। हम सब लोगों की मेहनत और परिश्रम से, आप सब लोगों के आशीर्वाद से संघ के संस्थापक परम पूज्य बद्री प्रसाद बाल्मीकानंद जी की एक आदमकद प्रतिमा की हम लोगों ने वहाँ पे स्थापित की है। और अभी मैंने अपने पार्षद कार्यकाल के दौरान उसी मोहल्ले के एक पार्क को विकसित करके उसका नामकरण परम पूज्य बद्री प्रसाद बाल्मीकानंद के नाम पर किया। आज उस पार्क का बहुत बेहतर माहौल है और जो भी लोग आते हैं संघ का प्रचार बद्री प्रसाद बाल्मीकानंद जी का प्रचार होता है, उनके उद्देश्य उनकी विचारधारा तो लोग जानने का प्रयास करते हैं, हम लोग बताने का प्रयास करते हैं। मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा, बहुत से हमारे वक्ता हमारे बीच में बैठे हैं, उनको भी समय मिलना है। मैं अपनी जिला शाखा की तरफ से मैं अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को और आप सबको मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ कि लखनऊ में जो भी संघ की अपेक्षाएं हमसे और हमारी शाखा से होगी उन अपेक्षाओं पर खरा उतरने का मेरा पूरा प्रयास होगा। धन्यवाद। भाई सुरेंद्र जी, देखिए हिमाचलिका में संघ के जो सिपाही है हम सबको दिखाया बताया कि हम लोगों को वास्तविकता में बाजी में रखने के हम मानते हैं, हृदय से मानते हैं, उसे के लिए उनकी हम लोगों को भी आदर में कुर्तमा लगा करके उनके पास के लिए उस वहाँ पे ऐसा काम करें। तो आगे लेकिन हमारी हमें जो देखने की बाजी करें जी दूसरे लोगों से बात करें जी क्या थे माउंटेन किसकी मूर्तियाँ हैं। चलो इसी के साथ साथ जो हमारे संघ के एक बार जोरदार नारा लगा दीजिए, लेकिन
हमें जितना आगे आना चाहिए था हम उतना आगे नहीं पहुंच पाए। साथियों, इसका कारण था कि आज देश में हमारे राजनीतिक सामाजिक संगठन चिल्ला रहे आदि आबादी आदि आबादी और आदि आबादी। हमारी आदि आबादी बिल्कुल कोई हुई थी, हम आगे तरक्की कर रहे थे, बस आदि ही तरक्की हो पाई हमारी। आज मुझे खुशी हो रही है कि ज्यादा नहीं, हमारी तीन बहनें हमारे सामने समाज की पीड़ा को लेकर समाज के विकास के लिए आगे आई हैं। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तीन नहीं तो 3 लाख, 3 करोड़, 3 अरब हैं। बहनों, आप संघर्ष करिए, हम हमारा सहयोग करिए, हम आपको आपकी आवश्यकता मुक्त करने के लिए देंगे। अगर जरूरत पड़ी तो हम आपके फूल बनाएंगे। और अगर ये बात होती है हमारी बहन आगे आती है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि हमारी बाजू समाज तत् प्रत्यक्ष विकास करेगी। और आज जो राजनीति में हमारा शोषण हो रहा है वो शोषण हमारा समाज निश्चित रुकेगा, क्योंकि हम सब शत प्रतिशत सफल रहते 100%। जब आगे आएंगे भारत के आदमी। भाई, हमारे